इधर मेरठ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के द्वारा बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिला। कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गुल हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हड़ताली कर्मचारियों को चेताया है कि लाइन में फॉल्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आपूर्ति को पूरे नियंत्रण में बताते हुए कहा कि प्रदेश में 4000 मेगावाट सरप्लस बिजली है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया है। वहीं कर्मचारियों के अध्यक्ष का कहना है कि सितंबर में पहले भी सांकेतिक हड़ताल की गई थी, तब भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी, उसके बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया। अब अगर विद्युत आपूर्ति होती है या जनता को परेशानी होती है तो उसके जिम्मेदार खुद अधिकारी होंगे। मैम, 72 घंटे की हड़ताल बिजली कर्मियों की चल रही है लगातार, जिस तरह से विद्युत आपूर्ति, उसके लिए क्या आपके पास एक प्लान है, किस तरह से विद्युत आपूर्ति जिससे ना बाधित हो, क्या की? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश संविदा कर्मी के साथ साथ जो विद्युत संघर्ष समिति के जो 72 घंटे की हड़ताल की जो ऐलान की गई है, उसमें संविदा कर्मियों के तो एक पोर्शन के संघ वालों ने अपना हड़ताल वापस लिया है। वो 13 तारीख में ही इसको उन्होंने वापस ले लिया है। बाकी जो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति वाले जो 72 घंटे की हड़ताल के ऐलान किए हैं, उसके संबंध में वैकल्पिक मानव संसाधन और वैकल्पिक जो स्टाफ है या मौके पे जो सामग्रियों की उपलब्धता है या वाहनों की उपलब्धता है, इन सब चीजों के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था पूर्व तैयारी के साथ किया जा चुका है हमारे डिस्कॉम के 14,000। मैम, देखा जा रहा है कि बिजली उपकेंद्र जो है वो भी लगातार खाली है, उनके भी कुछ सदस्य हैं जो हड़ताल में शामिल हो गए। कई जगह पर देखा जा रहा है विद्युत आपूर्ति जब बाधित हो रही है, कई घंटे के लिए लाइट जा रही है। मेरा नाम दिलमणि प्रसाद फुकरियाल है, मैं विद्युत मजदूर पंचायत का उत्तर प्रदेश का उप महामंत्री हूँ, घटक दल में से आया। हमारी कुल 18 समस्याएं थी जो प्रबंधन के द्वारा क्रिएट की गई समस्याएं हैं, उनको ही हमने सॉल्व करने के लिए उनके सामने रखा था। हमारी नई मांग कोई नहीं है, अल्लाह ऐसी कोई मांग है जो पूरी कर सकते हैं, कोई समस्या है उनके संबंध में। हमारा ये आंदोलन चल रहा सितंबर 2022 से, और उसके बाद हमारा उस समय भी कार्य बहिष्कार चला था। इन्होंने 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो AK शर्मा जी हैं उनकी अध्यक्षता में एक सहमति बनी, 14 मांगों पर सहमति बनी,